तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर वन चैनल, आपका मनपसंद चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपकी मनपसंद गाड़ी यानी कि अल्काज़ार 9 सितंबर को हो चुकी है फेसलिफ्ट, कुछ नए लुक के साथ, कुछ नए फीचर्स के साथ। आज इस पेज पे यानी कि आपके मनपसंद चैनल पे योर कार एडवाइजर पे आपको आपकी गाड़ी के बारे में यानी अल्काज़ार के बारे में। क्या अल्काज़ार कब तक आपको मतलब नहीं पता? जी हाँ दोस्तों, अल्काज़ार का मतलब होता है एक घर या फिर कहें एक कैसल या फिर महल कह सकते हैं, जिसमें हम सारी फैमिली मेंबर इकट्ठे रहते हैं। अगर आपका मन मने कहीं फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए, उस टाइम पे छोटी कार नहीं काम आती। उस टाइम पे एक फैमिली मेंबर की तरह आपको एक 7 सीटर या 6 सीटर की गाड़ी आपको रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम पे अल्काज़ार एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी निकल के आती है, जिसके अंदर माइलेज भी मिलती है, फीचर भी अप टू डेटेड मिलते हैं और ड्राइवेबिलिटी का टेस्ट भी मिलता है। आज आपके लिए लेके आए हैं सिग्नेचर यानी टॉप द लाइन वेरियंट 6 सीटर के अंदर, जिसके अंदर आज हम बताएंगे गाड़ी के बारे में यानी अल्काज़ार के बारे में इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ आपको बताएंगे डेमोन्स्ट्रेशन जैसे हम करते ही हैं, फ्रंट लुक, रियर लुक, साइड लुक, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सारा कुछ आज आपको बताएंगे और लास्ट में रिव्यू भी करेंगे क्यों ये वेरिएंट लेने में समझदारी है, क्या फीचर है, किसके लिए वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी बनती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे, जहां मैं आपको बताएंगे अल्काज़ार के बारे में। अल्काज़ार 2021 में लॉन्च हुई और मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस आई, क्योंकि उस टाइम पे मिड लार्ज एसयूवी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल चुका था। बिकॉज आप एक अल्काज़ार जैसी गाड़ी 7 सीटर को आप 5 पर्पस सीटिंग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली भी यूज कर सकते थे और कहीं ट्रेवल करना हो 7 सीटर की कैपेसिटी पे भी यूज कर सकते थे। स्टार्टिंग में अल्काज़ार में आपको 2 लीटर का इंजन मिला करता था, पेट्रोल और डीजल में आपको 1500 cc ही मिल रहा था। जब टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, देखिए आपको पता ही, आपका जो ब्रांड है ह्युंडई है, वो समय के साथ चेंज होने वाला ब्रांड है, टाइम के साथ चलने वाला है। कुछ ना कुछ चेंजेस कंपनी ने आपको अल्काज़ार के अंदर दिए हैं, जैसे कि आपको 2 लीटर से 1.5 टर्बो इंजन में लेके आए और ग्रिल पेट्रोल के अंदर चेंज कर दी गई। हल्के फुल्के फीचर जैसे कंपनी टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, ऐसे करते रही, बट 9 सितंबर 2024 को आपकी अल्काज़ार फिर से फेसलिफ्ट होगी कुछ नए फीचर के साथ, कुछ नए टेस्ट के साथ। आज जो हम वेरिएंट करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन, वो कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अल्काज़ार का टॉप द लाइन वेरिएंट यानी सिग्नेचर 1.5 टर्बो पेट्रोल के अंदर पूरे फीचर आपको बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर रिव्यू करेंगे, बेनिफिट बताएंगे, लास्ट में रिव्यू भी तो करना है इसके लिए लेने के लिए वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों करते हैं स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेशन से, चलो चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। क्या आपको पहली लुक में कहीं ना कहीं डिफेंडर की फीलिंग आ रही है? हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आजकल का ट्रेंड ऐसी गाड़ियों का ही है, 7 सीटर और लग्जरी गाड़ियों का। दोस्तों आज जो हम डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे हैं वो है अल्काज़ार का टॉप द लाइन वेरिएंट यानी सिग्नेचर टर्बो 1.5 इंजन के साथ, 4 सिलेंडर इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। प्राइस अगर बात करेंगे 21,40,000 के आसपास इसकी एक्सशोरूम प्राइस पड़ती है, बाकी ऑन रोड आप स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं अपने इलाके में जाके। अगर आप बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, आपको हर एक सेक्शन देखने को मिलेगा, फ्रंट, रियर, साइड, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सारा कुछ देखने को मिलेगा विद फीचर एडवांटेज बेनिफिट। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रंट सेक्शन से। दोस्तों अगर आप फ्रंट लुक को ध्यान से देखेंगे, पहली निगाह में गाड़ी की लुक जो है बोल्ड, डायनेमिक और मस्कुलर दिखती है, मस्कुलर और बोल्ड ज्यादा दिखती है और इंटेंस भी दिखती है, जैसे कंपनी का स्लोगन ही था। तो दोस्तों अगर हम फ्रंट इंटरेक्शन की बात करेंगे, जहां से गाड़ी पहली निगाह से दिखती है, वो है गाड़ी की DRLs। अगर आप DRLs को ध्यान से देखेंगे, एजी शेप में जो DRLs देखती हैं, वो गाड़ी की पहली निगाह में ही आपको खूबसूरती दिखा देती है। और अगर आप बात करेंगे होराइजन लाइट की, जो कि आपको विजिबिलिटी के लिए भी हेल्प करती है रात में, ड्राइवेबिलिटी के लिए, और लुक एक कनेक्टेड फील कराती है रात में जब आप ड्राइव करते हैं, लग्जरी या फिर कहीं सेंटा फे की कहीं ना कहीं फीलिंग आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि जब आप दिन में चलाएंगे गाड़ी
गाड़ी तो आपको सिर्फ और सिर्फ DRL चला करेंगी, सेंटर लाइट जो है रात में ही चला करेगी जब हेडलैम्प के साथ आप चलाएंगे, ताकि आपको विजिबिलिटी ब्रॉड मिल पाए। अगर आप बात करेंगे सिक्वेंशियल टाइप में, आपको इंडिकेटर मिलने वाले हैं जो कि एक लग्जरी गाड़ी की टोटली फील आपको देता है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। अगर आप हेडलैम्प्स की बात करेंगे, गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं क्वाड LED हेडलैम्प जिनकी विजिबिलिटी एक तो ब्रॉड होती है, ज्यादा लंबी दूरी तक देख पाते हैं, बैटरी की सेविंग होती है, ज्यादा एनर्जी नहीं कंज्यूम करते हैं, और साथ के साथ आपको व्हाइट लाइट मिलती है जिसके कारण आपको विजिबिलिटी भी अच्छी दिखती है। अगर आप बात करते हैं टर्निंग की, तो टर्निंग वक्त भी आपको एक कॉर्नरिंग लैंप मिल जाती है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है किसी भी एक SUV के लिए। अगर आप बात करें ग्रिल की, डार्क क्रोम फिनिश के साथ आपको ग्रिल मिलती है, थोड़ी डिफरेंट लुक है पहली वाली से। इस टाइम मस्कुलर गाड़ी ज्यादा दिख रही है एज कम्पेयर टू अगर आप रगेड लुक की बात करें। आपको वेंटिलेशन की स्पेस अगर कहें तो अच्छी खासी दे रखी है, जिसके कारण आपको गाड़ी में ओवरहीटिंग की समस्या नहीं आती, गाड़ी एफिशिएंटली काम करती है और माइलेज ज्यादा निकालती है, जो कि सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। और एक डायनेमिक लुक होने की वजह से जिसे आप पैरामेट्रिक डिजाइन के नाम पे भी डोनेट कर सकते हो, जो कि अच्छी लगती है लुक्स वाइज भी। अगर आप बंपर को ध्यान से देखें दोस्तों, यहीं से मेन आपको मस्कुलर फीलिंग आ रही होगी। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम जो अल्काज़ार का बंपर चेंज किया गया है कंपनी की तरफ से, टोटली मैसिवली मस्कुलर दिख रहा है। अगर आप इस मस्कुलर डिजाइन को देखिए, पूरा अट्रैक्टिव दिख रहा है लुक्स वाइज। गाड़ी की जो कॉम्प्लीमेंटेशन दे रही है वो यही चीज दे रही है। वेंटिलेशन की स्पेस यहाँ पे भी अच्छी खासी दे रखी है, ताकि आपका AC कंडेंसर अच्छे से कूलिंग इफेक्ट दे पाए। सेंटर में अगर आप देखेंगे, आपको रिडार भी दे रखा है, ताकि ADAS लेवल 2 का फंक्शन भी काम करे, जो कि अच्छी बात भी है दोस्तों। अगर आप बोनेट की बात करेंगे, देखिए हुंडई कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो इस बार भी हुंडई ने कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं की है। आपको करेक्टरिस्टिक्स लाइन दी गई है, एक्स्ट्रा करेक्टरिस्टिक्स लाइन दी गई है पहली वाली अल्काज़ार से, जिससे फायदा हमें ये मिला कि एरोडायनामिकली रेजिस्टेंस आपकी अच्छे से कम हो जाती है, और साथ साथ स्ट्रांगनेस यानी स्ट्रेंथ गाड़ी की बढ़ती है, जो कि सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट मिलता है। अगर आप विंडशील्ड की बात करेंगे, आपको गाड़ी की विंडस्क्रीन वाइड मिलती है, जिसके कारण आप भी टर्न करेंगे लेफ्ट या राइट, आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिक्कत करेगा, जो कि सबसे बड़ी बात है। जो मेजर नया फीचर एड ऑन किया है कंपनी ने, वो है ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर। जब बारिश हो रही हो, वाइपर बार बार ना यूज करना पड़े, आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर हेल्प करेगा। टॉप मॉडल में फीचर दिया जाता है, जो कि सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों, ADAS लेवल 2 का फीचर तो आपको हेल्पफुल करता ही है, जो कि आजकल हर एक मैक्सिमम टाइप पे लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों में या Hyundai में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि क्रेटा में, वरना में, वेन्यू में भी लेवल 1 मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है ADAS स्टैंडर्ड ही होने वाला है, जैसे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो चुके हैं आज के टाइम पे। तो मोटे मोटे कहने वाली बात है कि जो कंपनी ने मेजर फेसलिफ्ट में चेंजेस किए हैं, वो है आपकी DRL का डिजाइन, जो कि सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है, क्वाड LED हेडलैम्प, जो बंपर का डिजाइन किया है, मैसिव चेंज, बड़ा अच्छा चेंज किया है, जो कि अच्छा भी लग रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों रियर लुक की, कैसी लगती है रियर लुक, चलो चलते हैं देखते हैं। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं रियर प्रोफाइल पे। फ्रंट से जितनी गाड़ी बोल्ड और आपको मस्कुलर दिख रही है, रियर से उतनी ही गाड़ी आपको डायनेमिक लगती है, फ्यूचरिस्टिक दिखती है। जी हाँ, मुझे पता है आपका सबसे पहले ध्यान टेल लैंप्स पे जा रहा है। तो दोस्तों, किसी टाइम पे लोग आफ्टर मार्केट कस्टमाइज कराया करते थे ये चीजें, बट कंपनी ने आज के टाइम में ये चीज आपको फैक्ट्री फिटेड ही दे दी है, जिसके कारण आपकी वारंटी भी बचती है और आपको लुक्स भी इनहांस मिल जाते हैं। देखिए, अगर आप बात करें टेल लैंप की, तो आपको कहीं ना कहीं ये पैलेस साइड से इंस्पायरिंग कहीं ना कहीं दिखेंगे। लुक आपको पैलेस साइड से इंस्पायरिंग लगेगी, बोल्ड लगेगी, मस्कुलर लगेगी, साथ ही साथ डायनेमिक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। बात करते हैं, सबसे पहले आपको शार्क फिन एंटीना मिलने वाला है ब्लैक कलर का, चाहे आप कोई भी वेरियंट लीजिए। साथ ही साथ स्पॉइलर मिलता है आपको, जिसके कारण एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस दूर होती है। साथ ही साथ आपको बैटरी सेविंग मिलती है, कि आपकी बल्ब की जगह LED आपको हाई माउंटिंग लैंप मिलते हैं, जिनके कारण आपको थर्ड पर्सन को भी पता लग जाता है कि आपने ब्रेक लगाई है, ताकि तीसरी गाड़ी भी आपकी ब्रेक लगा सके। इसके अलावा वेदर कंडीशन के लिए आपको डिफॉगर मिलता है गाड़ी के अंदर, वाइपर भी मिलेगा अगर आप अपने वार्निश को स्वाइप करना चाहते हैं बारिश के टाइम पे, जो कि सबसे अच्छी बात है। सेंटर में आपको Hyundai का लोगो देखने को मिलता है, जो कि आपको एक रिलेशनशिप शो करता है, जैसे आपको Hyundai पे ट्रस्ट ही है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे, आपको एक कॉम्बिनेशन बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, वो है सिल्वर का। अगर देखिए सिल्वर का आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, यहाँ पे आपको सिल्वर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और बंपर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी सिल्वर कलर का देखने को मिलता है, जिससे जो मॉडरेट लुक है वो आपको निखर के आते हैं, जो कि सबसे बढ़िया बात है। और कॉम्बिनेशन को इतने कैसे डिजाइन किया गया है, अल्काज़ार की बैजिंग भी इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। अल्काज़ार की बैजिंग यानी प्रोडक्ट की बैजिंग होने से गाड़ी में एक अलग सी जान आती है, एनर्जी आती है, जो कि सबसे बढ़िया लगती है आज के टाइम पे। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे टर्बो की बैजिंग, क्योंकि ये सिग्नेचर का टॉप द लाइन वेरियंट है, टर्बो एडिशन है, तो टर्बो की बैजिंग मिलती है, और टॉप मॉडल होने की वजह से सिग्नेचर की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि सबसे बढ़िया लगती है। इसके अलावा दोस्तों, रिवर्स आपको कैमरा दिखने वाला है गाड़ी के अंदर। अगर आप बंपर की बात करते हैं, तो बंपर जो है पहले से बहुत ज्यादा बोल्ड किया गया है, मस्कुलर किया
किया गया है, जैसे क्रेटा में भी आपने देखने को मिला। अगर बंपर की लुक देखें थोड़ी सी डिफरेंट लुक देखने को मिल रही है, जिसके कारण अगर आप ध्यान से देखें एक ट्विन टिप एग्जॉस्ट सिस्टम भी बड़े अच्छे से आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, जो की लुक्स को एनहांसमेंट दे रहा है। साथ साथ अगर आप बात करें पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, 4 पार्किंग सेंसर है, रेडार भी इसके अंदर आते हैं, और जब भी आप गाड़ी को रिवर्स करेंगे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी इसकी वजह से हेल्पफुल होके होता है। अगर आप डिस्टेंस देखेंगे धरती से, अगर गाड़ी का डिस्टेंस देखेंगे आप गैप देखेंगे लगभग 1 फीट के आसपास आ जाता है, जिसके कारण आपको कहीं भी पार्किंग करने में समस्या नहीं आती, कच्चे पक्के रस्तों में चलाने में दिक्कत नहीं आती, जो कि सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट होता है किसी भी एसयूवी के लिए। अगर आप दोस्तों बात करें बूट स्पेस की, मेजरली अगर आप कोई 7 सीटर कार ले रहे हो या 6 सीटर कोई बड़ी गाड़ी ले रहे हो उसमें बूट स्पेस नहीं देखने को मिलता, बट आपकी अल्काज़ार के अंदर आपको बूट स्पेस मिल जाता है। कितना? जी हाँ दोस्तों, आपको आपकी गाड़ी के अंदर 180 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि अगर आप 7 सीटर या 6 सीटर की यूज करके भी आपके पास 2 टैची रखने की कैपेसिटी बनती है। अगर आप कसौली ट्रेवल कर रहे हो उस टाइम पे 2 लगेज बैग लेके जाने आपको हल्के फुल्के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका दोस्तों बिजनेस है, जब आप अपनी शॉप पे सामान कैरी करना चाहते हो तो आपके पास ये सीट फोल्डिंग का ऑप्शन है, आप इसे 7 सीटर को आप क्या कर सकते हैं 5 सीटर बना सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसके अंदर लगेज लैंप भी मिल जाता है, जिसके कारण आप नाइट में अपना सामान बड़े कंफर्टेबली रख पाओगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही साथ अगर आप टूल किट देखना चाहेंगे, यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाती है नीचे के नीचे। अगर आपने अपने स्पेयर व्हील खोलना है तो स्पेयर व्हील के लिए टूल किट अलग से दी जाती है, जिसके बाद अपना स्पाइनर से अपना टूल किट खोल के अपनी जैक से लगा के अपना अपना टायर रिमूव कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। और जो टायर दिया जाता है स्पेयर व्हील, वो यहाँ पे नीचे की तरफ दिया जाता है और नॉर्मल रिम की तरह ही आता है दोस्तों, कोई भी अलॉय व्हील नहीं दिया जाता। ये चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी रियर में, या फिर अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी सी मस्ती करना चाहते हैं, बैठ के थोड़े बहुत ग्लास लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं दोस्तों। बड़ा कंफर्टेबल सीटिंग है, सामान उतारना और रखना बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इस वाली अल्काज़ार के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो है मेजरली गाड़ी की टेल लैंप। टेल लैंप जो मेजर जो डीआरएस दी गई है वो अट्रैक्टिव पॉइंट दी गई है। साथ ही साथ जो क्रेटा के अंदर कमी दिखती थी हमें कि क्रेटा की बैजिंग नहीं दी जाती, वो आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। ऑल ओवर आपको रियर पार्किंग सेंसर, कैमरा, डिफॉगर, रियर वाइपर, साथ ही साथ बूट स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे, देखते हैं साइड प्रोफाइल में आपको क्या मिलता है। चलो तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम साइड प्रोफाइल पे अल्काज़ार की। तो आज जो वेरिएंट हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो है सिग्नेचर वेरिएंट 1.5 टर्बो एडिशन के साथ, जिसकी कीमत एक्स शोरूम पड़ती है 21,40,000 के आसपास। दोस्तों आगे से गाड़ी लगती है बोल्ड, रियर से लगती है डायनेमिक और साइड से लगती है हाइटेड कार। इसका वजह है दोस्तों ये ब्रिज टाइप रूफ रेल, जो कि मेजर हाइटेड का रीजन ही अल्काज़ार का यही है, जो कि अच्छी भी लग रही है कुछ डिफरेंट गाड़ियों से और डिफरेंट भी गाड़ी को बना देती है, जो कि अच्छी बात है। ऑल ओवर अगर आप बात करें गाड़ी की ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो लगभग जो ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलती है वो 200 है 200 मिलीमीटर की, जो कि मोर देन नफ है किसी भी मिड लार्ज एसयूवी के लिए, जो कि अच्छी आपको गाड़ी पहाड़ों पर चलाते वक्त, कार में गाड़ी पार्क करते वक्त या फिर कच्चे पक्के रस्तों पे चलाते वक्त दिक्कत नहीं देती। हालांकि कंपनी ने एक कॉम्प्रोमाइज किया है, वो है फुटरेस्ट का, जो कि देना चाहिए था दोस्तों। जब फैमिली में जब हम ट्रेवल करते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं दोस्तों, फुटरेस्ट कहीं ना कहीं आप एक्सेसरी में लगवा सकते हैं, बट ये इनबिल्ट देते पहले की तरह तो अच्छा लगता। इसकी वजह से आपको साइड में मिलते हैं स्किड पे, जो कि अच्छी लग रही है गाड़ी के डिजाइन को, हालांकि कॉम्प्लीमेंट जरूर करी है, जो कि अच्छी बात है। क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको डार्क क्रोम फिनिश के साथ, जो कि अट्रैक्शन है, फ्रंट की ग्रिल के साथ मैच कर जाते हैं, जो कि अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा लगता है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी का जो 360 व्यू कैमरा है वो आपको ORVM के नीचे मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, जो कि सराउंडिंग व्यू आपको पूरा बना देती है। इंडिकेटर और ORVM मिल जाते हैं, जो कि साइड पर्सन को पता लग जाएगा कि आप इंडिकेट कर रहे हैं टर्न लेने के लिए, अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर ले, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी का टायर, हाँ जी दोस्तों गाड़ी के जो टायर है वो है 18 इंच का, साइज की बात करते हैं 215/55R आपको 18 का टायर साइज मिल जाता है, जो की मिड लार्ज एसयूवी के लिए मोर देन नफ है। गाड़ी थोड़ी है स्लोप में खड़ाई गई है, ताकि आपको पता लग सके कि सस्पेंशन अगर पूरा आगे का झुका हुआ है कितना गैप बचता है, तो गैप अगर आप देखेंगे एक हाथ जितना गैप बच जाता है, तो मोर देन इनफ है दोस्तों। वैसे गाड़ी के अंदर मैकफर्सन सस्पेंशन आता है दोस्तों, जो कि सॉफ्ट टाइप ऑफ सस्पेंशन होता है, जिसको फायदा आपको ये मिलता है कि जब आप ड्राइव करते हैं आपको वाइब्रेशन जर्क लॉन्ग टर्म में नहीं आते, जो कि सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। लॉय की बात करेंगे, कंपनी ने इस बार लॉय का डिजाइन है टॉप मॉडल्स में चेंज किया है, जो कि सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको दूर से लगता है किसी लगती हुई गाड़ी से कम नहीं लगती है गाड़ी। इसके अलावा आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है, जी हाँ दोस्तों ड्यूल डिस्क मिलती है, आगे भी और पीछे भी आपको डिस्क देखने को मिलती है, जिसके कारण अगर आप पहाड़ों में कहीं क्लाइंब कर रहे हैं, डाउनफॉल आ रहे हैं, तो आपको ब्रेकिंग लगाने में समस्या नहीं आएगी, ABS CVD अच्छे से काम करेगा, जो कि अच्छी बात है। ऑल ओवर अगर आप लुक की बात
बात करेंगे साइड व्यू की। 36 लाइन होने की वजह से गाड़ी की लुक एनहांसमेंट थोड़ी मस्कुलर लगती है, बट दोस्त का बेनिफिट भी है, रेजिस्टेंस जो एयर की वजह से प्रोड्यूस होती है वो कम हो जाती है, जो कि अच्छी बात है। तो ऑल ओवर अगर हम मेन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें साइड प्रोफाइल में, वो है रूफ रेल्स दोस्तों गाड़ी की, जो कि अट्रैक्टिव भी लग रही है, मस्कुलर भी लग रही है, अच्छी भी लग रही है। दोस्तों अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पे बैठ के देखते हैं कंफर्टेबिलिटी है या नहीं है, चलो चलते हैं। साइड प्रोफाइल तो गाड़ी की अच्छे से देख ली है, अब बात करते हैं रियर पैसेंजर सीट की, कितनी कंपनी ने फेसलिफ्टेड वेरिएंट में कंफर्टेबल बनाई है, चलो चलते हैं। देखिए जब आप डोर खोलते हैं असली क्वालिटी का कंपनी का यहीं से पता लगता है कि डोर जो है गाड़ी का बड़ा हैवी है, जिसके कारण आपको सेफ्टी का कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट लगता है, जो कि अच्छी बात भी है। जब आप दोस्तों डोर खोलते हैं आपको जो इंटीरियर पहली निजाम में देखने को मिलता है वो है दोस्तों कैमल कलर और ब्लैक कलर का मिक्सचर, कहीं ना कहीं आपको लग्जरी सेगमेंट की याद करा देगा कि जी हाँ दोस्तों ये लग्जरी सेगमेंट की कार की पूरी कंपैरिजन कर रही है। अगर आप मेन एडवांटेजेबल फीचर्स की बात करेंगे वो क्या है, सबसे पहले तो गाड़ी का इंटीरियर कैमल कलर का दिया गया है, जो कि मेंटेनेंस फ्री कलर लगेगा, लाइट कलर से ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। आपको पूरा आर्मरेस्ट वायर दिया गया है, जिसके कारण आपको जब भी आप लॉन्ग जर्नी में ट्रेवल करेंगे आपको कंफर्टेबिलिटी महसूस होगी, जो कि सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। अगर आप कर्टन की बात करेंगे, यहाँ पे दोस्तों मैं आप दिखाना चाहूंगा, ये कर्टन होता है कि जब भी आप लंबी जर्नी में कहीं ट्रेवल करें तो आप अगर धूप से बचना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा आपको, धूप से ये कर्टन आपकी सेफ्टी करेगा आपकी फैमिली मेंबर्स की, जो कि अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है ऐसे लग्जरी फीचर होने की वजह से। इसके बाद सिल्वर इंसर्ट देने की वजह से कंपनी में जो कैमल कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन को मैचिंग कर रहा है, जो सबसे ज्यादा स्टाइलिश लगता है। 1 लीटर की बोटो होल्डिंग और आपको बॉस का प्रीमियम स्पीकर भी मिलता है, जिसके कारण लंबी जर्नी जो आपकी कंफर्टेबल यहाँ पे सुविधाएं क्रैक बन जाती है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। ऑल ओवर जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो तो गाड़ी के अंदर जाना बहुत ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है मुझे गाड़ी के अंदर जाते हुए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं जा पा रहा हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं लग रही है इसके अंदर। ऑल ओवर जब आप बात करते हो आपको गाड़ी के अंदर थाई स्पोर्ट बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, बट दोस्तों इसके अलावा गाड़ी के अंदर मिलता है वेंटिलेशन सीट्स का ऑप्शन, जो कि 6 सीटर के अंदर आपको स्पेसिफिक मिलने वाला है, जो कि लग्जरी भी लगता है, कंफर्टेबिलिटी भी लगता है कि ऐसा लगता है 1.5-2 करोड़ की गाड़ी ले रखी है, जो कि कंफर्टेबिलिटी है ही है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर बैक रेस्ट को अगर आप एडजस्ट करना चाहें वो आप यहां से एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आप कंफर्टेबली एडजस्टमेंट करना चाहें, जो कि अच्छी बात भी लगती है। इसके अलावा दोस्तों थाई स्पोर्ट बकेट सीट की वजह से कंफर्टेबिलिटी महसूस कर रहा हूं। अगर आप हेडरूम की बात करते हैं तो दोस्तों नियर अबाउट आपको 4 उंगल जितना आपको गैप मिल जाता है, जो कि टर्बन टाई गाय के आपको आपको कंफर्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब नियर अबाउट 5 उंगल के आसपास आपको गैप मिलेगा अगर आप टर्बन नहीं टाई करते, तो मोर देन इनफ है दोस्तों, कंफर्टेबिलिटी वाली बात लगती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे इन गाड़ी के अंदर मिलता है थाई स्पोर्ट एक्सटेंशन, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर है, मतलब कि यहाँ से आपने हाथ लगाना है और अपना जो पोजीशन है अपने अकॉर्डिंगली थाई स्पोर्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे आप करना चाहेंगे, जो कि कंफर्टेबिलिटी वाला फीचर है, 6 सीटर के लिए तो बहुत ही ज्यादा लग्जरी वाला फीचर है, मोर देन इनफ आपको अच्छी खासी स्पेस भी मिल जाती है। अगर आप कहीं बॉस मोड की तरह ट्रेवल करना चाहते हैं भी, अगर हम लंबी ट्रेवल करना चाहते हैं, आपको कुछ खाना पीना है, लैपटॉप यूज करना है, तो आपको यहाँ पे जो है स्पेस दी जाती है, अपना टेबल बनाए और अच्छे से कुछ खाए पिए, टेबल यूज करें, पीसी यूज करें, लैपटॉप यूज करें, अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ड्रिंक भी लेनी है दोस्तों, आपको ड्रिंक रखने के लिए यहाँ पे स्पेस भी दे दी जाती है, जो कि आप यूज करके अपने अकॉर्डिंगली अपना ग्लास वगैरह होल्डर यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि अच्छी बात लगती है दोस्तों। ऑल ओवर लुक्स वाइज भी, कंफर्टेबिलिटी वाली भी, और कुछ खाने पीने के आइटम के लिए भी अच्छी लगती है। जिसके अलावा दोस्तों जैसे हमने बताया आपको बॉस का म्यूजिक सिस्टम, आपको स्पीकर दिया जाता है, जो कि अच्छे लगते हैं, वेंटिलेशन सीट तो दी गई, और अच्छी बात क्या है कि अगर आपका नॉर्मल सीटिंग हाइट पर्सन आगे बैठा है तो आपके पास लेग रूम अच्छा खासा है, मतलब लगभग देखिए एक हाथ जितना लेग रूम है, जो कि गाड़ी के लिए मिड लार्ज एसयूवी के लिए मोर देन इनफ है दोस्तों। एक तो थाई स्पोर्ट कंफर्टेबिलिटी मिल जाती है और आपको डिस्टेंस भी अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि आपकी लॉन्ग जर्नी में आपको कंफर्टेबिलिटी महसूस कराता है। इसके अलावा दोस्तों जब आप सेंटर में देखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड आपको रियर एसी वेंट, इस टाइम आपको वायरलेस चार्जर भी दोस्तों दिया जाता है, साथ साथ सी टाइप चार्जिंग पोर्ट 2 मिल जाते हैं, मतलब 3 चार्जिंग पोर्ट आपके पास मिल जाते हैं, जो कि गाड़ी के लिए मिड लार्ज एसयूवी के लिए फैमिली मेंबर्स के लिए मोर देन इनफ है दोस्तों, अच्छी वह लगती है। जैसे कि आपको मैंने वैसे भी दिखाया कि आपको थाई स्पोर्ट मिलता है, कोर ड्राइवर सीट पे भी आपको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे थाई स्पोर्ट, और अपनी जो कोर ड्राइवर वाली सीट है, अगर ये वाली ड्राइवर सीट है, अगर आप इसे आप बॉस मोड की तरह यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पोजीशन बटन दिए गए हैं, अपनी जो बैक रेस्ट की पोजीशन है या फिर अपने आगे सीट करनी है वो आप इस बटन के थ्रू ही प्रेस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको फायदा क्या मिलेगा वो बताता हूँ। फायदा ये मिलेगा आपको लेग रूम मिलेगा, बॉस की तरह पीछे बैठ के, सीट की तरह पीछे बैठ के कंफर्टेबली जा सकते हैं, जो कि अच्छी बात लगती है। हालांकि पहले जो सीट्स आया करती थी टम्बलर फिटिंग के साथ आया करती थी, जिसके कारण आप अपनी सीट फोल्ड करके पीछे जाया जा सकते थे, वो ज्यादा कंफर्टेबिलिटी वाला फीचर था, बट दोस्तों कंपनी ने किया क्या है, आपको सेंटर के अंदर दे दिया है, यहाँ पे आपको
स्पेस ताकि आप गाड़ी के बैक सीट पे कंफर्टेबली जा सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों हमारा जो विजन होता है कि अडल्ट जो रियर सीट्स होती हैं अडल्ट्स के लिए नहीं होती हैं। बेसिकली ये जो सीट्स होती हैं दोस्तों बच्चों के लिए बनी होती हैं कि अगर आप कहीं बच्चा ट्रैवल कर रहा है उसके साथ अगर आपने ट्रैवल करना है आप यूज कर सकते हो इसको पीछे करके, जो कि अच्छी बात है। हेडरेस्ट भी दिया जाता है आपको, अच्छी खासी स्पेस भी मिल जाती है। अगर आप स्पेस की बात करोगे लेग रूम की कुछ ऐसी स्पेस देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चों के लिए तो मोर देन इनफ है दोस्तों। अगर आप अडल्ट बैठेंगे थोड़े टाइट बैठेंगे बट बैठ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे सॉकेट भी मिलेगा चार्जिंग पॉइंट का, और साथ ही साथ आपको वेंट्स भी मिलने वाले हैं, आपको कप ग्लास होल्डर भी मिलते हैं, और यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाएगी फैन स्पीड की, जो कि अच्छी बात है, और साथ में लाइट भी मिलने वाली है दोस्तों। सेफ्टी का ध्यान भी पूरा रखा जाता है और विजिबिलिटी का भी, जो कि अच्छी बात लगती है। ऑल ओवर अगर आप स्पेस देखेंगे गाड़ी के अंदर मोर देन इनफ है दोस्तों। एक मिड लार्ज एसयूवी में इतनी अच्छी स्पेस होना बहुत कम मिलता है। इसके अलावा जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आजकल बना हुआ वो है ये हेडरेस्ट, जिसके कारण आपको नेक कुशन की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक लग्जरी सेगमेंट का फीचर माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं लाइट, जो कि स्टडी लैंप मिलते हैं, जिसके कारण आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, आप अपने इंडिविजुअल किसी को डिस्टर्ब करने बिना। गाड़ी के अंदर सनरूफ ना हो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों पेट्रोल के अंदर, तो दोस्तों गाड़ी के अंदर सनरूफ होने से गाड़ी के अंदर एक लग्जरी महसूस होती है, जो कि आपको दिख ही रही है, जो कि अच्छी भी लग रही है। सेंटर में आपको सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं। अगर आप बात करते हैं दोस्तों इंटीरियर के साथ डैशबोर्ड के लुक की, बहुत ही ज्यादा आपका प्रीमियम लग रहा है, जैसे आपका कनेक्टेड जो चैनल दिया गया है सिस्टम और आपके क्लस्टर का, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अट्रैक्शन ऑलमोस्ट आपको डबल ही मिल जाती है गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर की। अगर आप ऑल ओवर गाड़ी के देखें लुक, तो बहुत ही कंफर्टेबल और एक लग्जरी फील आपको ऑल ओवर मिल जाती है। ऑल ओवर अगर हम बात करें गाड़ी की, तो आपको अच्छी खासी स्पेस भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीट पे, देखते हैं क्या नए फीचर कंपनी ने दिए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं आप सबके लिए। दोस्तों फिजिकल एक्सरसाइज करें का नंबर बोलना। आज जो हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं दोस्तों वो अल्काज़ार का टॉप द लाइन वेरिएंट है, यानी आपका सिग्नेचर टर्बो एडिशन 1.5 फोर सिलेंडर इंजन के साथ। जब हम डोर को शट करते हैं क्वालिटी गाड़ी की महसूस होती है। देखिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप गाड़ी के एंटर करें बिना, क्योंकि गाड़ी ठंडी करनी होती है ऑफिस से निकलने से, तो आपके पास ये चाबी है दोस्तों, ये गाड़ी की चाबी है, जिससे आप अपनी गाड़ी को अनलॉक भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, जो कि अच्छा फीचर। बट दोस्तों पैरामीटर पूरे करने चाहिए, 10 मीटर के दायरे में होने चाहिए, जिसके कारण आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। कोशिश सोचिए कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी चाबी ऑफिस में भूल आए हो, अगर आपको अर्जेंट मीटिंग में कहीं जाना हो, तो आपकी चाबी आपकी फोन ही बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने आपको डिजिटल की प्रोवाइड कर दी है, जिसके कारण आपकी चाबी ही आपका फोन बन जाएगा। एक बार आपको गाड़ी के साथ टाइप करना है, करना क्या है, बस आपको फोन को यहाँ पे रखना है, अपने चाबी के पास लगाना है, जिसके कारण गाड़ी जो आपकी अनलॉक या लॉक की जा सकती है, इवन की आप गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया फीचर है दोस्तों। आज की डेट में ये फीचर हम लग्जरी कार में महसूस किया करते हैं, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ की डिफेंडर जैसी गाड़ियों में, बट दोस्तों अल्काज़ार में भी आपका ये फीचर आ चुका है। अब आप भी ये फीचर एंजॉय कर सकते हैं, कितना लग्जरी फीचर है दोस्तों, आपको अच्छा फीचर दिया गया है। जब आप डोर खोलते हो तो अच्छी बात क्या है दोस्तों कि जैसे आपको रियर में आपको डोर की क्वालिटी महसूस होती है, फ्रंट में भी उतनी क्वालिटी महसूस होती है। कैमल कलर का इंटीरियर है, फुल आर्मरेस्ट दिया जाता है लेदर पॉलिश के साथ, जो कि अच्छी लगती है। इसके बाद आपको सेंटर लॉकिंग के साथ साथ आपको डोर हैंडल्स भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं, कॉम्बिनेशन कलर जो है अच्छा लगता है। इसके अलावा जो बेसिक फीचर आया करते थे गाड़ी के अंदर वो अब भी हैं, जैसे कि आपके पावर विंडो के स्विचेस हैं, छोटे बच्चे शरारती हैं उनकी पावर विंडो लॉक करनी है आपने, सेंटर लॉकिंग का बटन है, फोल्डेबिलिटी का फंक्शन है, आपके मिरर जो ORBM होते हैं उनको फोल्डेबिलिटी अनफोल्डेबिलिटी करनी है, साइड की मिरर एडजस्टेबिलिटी करनी है, वो तो सब दोस्तों दिए ही जाते हैं। बट दोस्तों एक नया फीचर आपके लिए आ गया है गाड़ी के अंदर, वो है दोस्तों गाड़ी के अंदर सीट मेमोरी एडजस्टमेंट। जैसे आप गाड़ी के डोर को अनलॉक करते हैं या लॉक करते हैं, जो आपने पोजीशन की होगी गाड़ी की ड्राइवर सीट आप पीछे भी चल जाते हैं, जब आप बैठते हो गाड़ी के अंदर स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो ड्राइवर सीट है आपको अपनी पोजीशन पे लेके आ सकती है, मतलब कि दो पोजीशन में आप सेट कर सकते हो अपनी ड्राइवर सीट, जो कि सबसे बढ़िया बात है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों गाड़ी के अंदर एंटर करते हो, सबसे बढ़िया बात है कि आप अपनी पोजीशनिंग अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हो, मतलब कि आप अपनी इलेक्ट्रिकल 8-way एडजस्टमेंट सीट के साथ अपनी जो सीट है एडजस्टमेंट कर सकते हो, बैक की करनी है, आगे की करनी है, चाहे आपने जैसे मर्जी हाइट एडजस्टमेंट करनी चाहते हो वो आपने कर सकते हो, जो कि बहुत ही कंफर्टेबिलिटी है, इजी टू करने से इजी रहती है। इसके अलावा दोस्तों बॉस का स्पीकर मिल जाता है, साथ साथ ट्विटर भी मिलता है गाड़ी के अंदर। मेजरली जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो तो आपको क्या कंफर्टेबिलिटी फीचर मिलता है, वो है डी कर स्टीयरिंग, जिसके कारण आपको गाड़ी के अंदर निकलना और बाहर से अंदर आना बहुत ही सुविधाजनक रहता है। इसके अलावा दोस्तों
अब आप गाड़ी के अंदर एक नया फीचर और देखते हैं, वो है गाड़ी का ये, यानी कि आपको मिलता है मैग्नेटिक पैड, जिसके कारण आप अपने कुछ मेमोरेबल आइटम्स और साथ ही साथ अपनी फोटोज लगा सकते हैं, जो कि अच्छी बात लगती है। ऑल ओवर अगर आप गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे दोस्तों, पूरा आपको एक लग्जरी गाड़ी की फील देता है कि भाई 1.5-2 करोड़ की गाड़ी है, इससे कम वाली, बट एक्चुअल में आपको 20-22 लाख में इतने फीचर मिलते हैं। इंटीरियर देख के आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, गाड़ी का जो इंटीरियर है, हालांकि जितने पैसे लगाए पूरे वर्थफुल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। ऑल ओवर जो गाड़ी का इंटीरियर है फ्रंट से बहुत ही बेहतरीन लग रहा है अगर आप देख पाए, और रियर से अगर आप देखेंगे आपको फैमिली की पूरी आपको विजन आप कंफर्टेबली देख पाएंगे, जो कि अच्छी बात लगती है। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर, अगर आप यहाँ पे आए, स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन दिया जाता है, ऑटो स्टार्ट ऑफ करने का फंक्शन दिया जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन करने का फंक्शन भी दिया जाता है कि अगर आपको यूज करना आप यूज कर सकते हैं, हेडलाइट एडजस्टमेंट, ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए बटन भी दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों जब आप स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करते हो, गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग कंट्रोल दिए जाते हैं, तो अब पहले हम स्टीयरिंग ऑन कर लेते हैं दोस्तों। स्टीयरिंग अगर आप बात करते हैं गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग की बात करेंगे, गाड़ी के जो अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल है उसमें सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका सिस्टम का कंट्रोल है, यहाँ पे कॉल उठाना, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना, वॉइस यूज करना, मोड यूज करना, आप ट्रैक चेंज भी यहीं से कर सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया बात है। और अगर आप लग्जरी फीचर की बात करो तो आपको एडास के सारे फीचर, क्लस्टर इन्फॉर्मेशन आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो, जो कि सबसे बढ़िया प्रीमियम लगती है। अगर आप ध्यान से देखें तो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है वो आपको पियानो फिनिश के साथ लगता है, जो कि पूरा एक प्रीमियम गाड़ी का फील दे रहा है कि हाँ भाई गाड़ी पूरी प्रीमियम है, मजेदार लग रही है। इसके अलावा दोस्तों पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं ऑटोमेटिक की वजह से, आप यहाँ से ही गियर चेंज कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स के फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मली गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको ऑटो हेडलैम्प्स के साथ साथ आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल, साथ ही साथ आपको गाड़ी के हेडलाइट के साथ साथ आपको रियर वाइपर के कंट्रोल भी यहाँ मिलते हैं, फ्रंट वाइपर के भी कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और इजी टू यूज है। अगर आप दोस्तों क्लस्टर को ध्यान से देखें, आपको पुश बटन दबाते हैं, क्लस्टर पहली निगाह में ही आपको एक नंबर लगता है दोस्तों, विजिबिलिटी अच्छी लगती है आपको, गाड़ी का जो इंटीरियर का वो कॉम्बिनेशन करता है वो सबसे बड़ा पॉइंट, प्लस पॉइंट जो है आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ऑल ओवर जो गाड़ी का लुक है बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, इंटीरियर वाइज भी एक्सटीरियर वाइज भी, बेसिकली ये चीज होनी भी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें इस क्लस्टर को, बहुत ही विजनेटिक और अच्छा लग रहा है। अगर आप बात करेंगे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन की, आप यहाँ से क्लस्टर इन्फॉर्मेशन ले सकते, करंट ट्रिप, आपकी कंपास, और साथ ही साथ आपको टायर प्रेशर भी यहीं पर पता लग जाएगा। अगर आप कहें कि ड्राइव मोड के अकॉर्डिंगली आप अपने क्लस्टर को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने स्पोर्ट्स मोड किया आपका क्लस्टर चेंज हो गया, फिर आपने अगर इकोनॉमी दबाया तो इकोनॉमी अकॉर्डिंगली, फिर अगर आप कंफर्ट के अकॉर्डिंगली करें कंफर्ट के अकॉर्डिंगली भी चेंज हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। टाइम के साथ चेंजेस ऐसे से होने चाहिए, थोड़ी गाड़ी मॉडर्न लगती रहती है, जो कि अपील भी मजेदार लग रहा है मुझे तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टच स्क्रीन की बात करें, गाड़ी के अंदर जो टच स्क्रीन आता है दोस्तों वो आता है 10 इंचेस का दोस्तों, टच कह रहा है मैं, 10 इंचेस का टच स्क्रीन मिल जाता है, जो मोर देन रफ है किसी बड़ी गाड़ी के लिए। देखिए यूसेज कितना प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल टू यूजर टच स्क्रीन का। अगर टच रिस्पांस की बात करें, एकदम से टच रिस्पांस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप बात करो गाड़ी में, आपको जियो सावन ऐप का कनेक्शन भी मिल जाता है, 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल अगर आपको यहाँ पे इजी टू यूज नहीं लग रहे हैं, टच स्क्रीन के थ्रू आप अपने इजी टू यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस वाले फीचर है। इसके अलावा दोस्तों मैप करने हैं, अपने वॉलेट अलर्ट मोड ऑन करना, रेडियो म्यूजिक जो भी आप यूज करना है बड़े इजिली यूज कर पाएंगे, जो कि बहुत ही कंफर्टेबिलिटी वाले फीचर है। इसके अलावा दोस्तों ड्यूल जोन FATC, ड्यूल जोन FATC से सबसे बड़ा बेहतरीन बीवी और हस्बैंड के लिए होता है, क्योंकि बीवियों को टेम्परेचर लग चाहिए होता है, आपको अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया बात है। ड्यूल जोन FATC रहता है, आप अपना टेम्परेचर लग रखो, अपने दोनों अपना अलग टेम्परेचर रख सकते हो, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर, इसके अलावा आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, सॉकेट है, USB, वो तो आपको नॉर्मली गाड़ी के अंदर पहले भी आते थे, अभी भी मिल रहे हैं। पाले स्टाइल डिजाइन जो हुंडई का कॉम्प्लीमेंट्री रहा है कि हमेशा एक जहाज की फीलिंग दिलाता है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसके अंदर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव आपको फीचर मिल जाता है, जो कि सबसे बढ़िया बात लगती है। अगर आप दोस्तों मैनुअल चलाना चाहते हैं गाड़ी को, यहाँ शिफ्ट करिए, यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें गियर, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात लगती है। इसके अलावा दोस्तों जब भी ब्रेक लगानी है, हैंड ब्रेक लगानी है, आपने पार्किंग में ही लगानी है, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाती है, लगती दोस्तों नॉर्मली है, बट अगर आप उतारनी है ब्रेक लगा के उतरती, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का हमेशा। ऑटो होल्ड का फंक्शन दिया जाता है कि आपको बार बार हैंड ब्रेक ना लगानी पड़े लाइट पे, जो कि सबसे बढ़िया बात है। इसके अलावा दोस्तों चलती गाड़ी में आप 360 व्यू कैमरा चला सकते हैं, और देखने वाली बात है कि कैमरे की जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन दी गई है। यहाँ पे देखिए गाड़ी जो है आपको 360 व्यू कैमरे में दिख रही है अच्छे से, ताकि आपको पूरा एरिया क्लियर हो सके, कितना गैप है, क्या चीज है, वो चाहे वो यहाँ से कर सकते हैं, जो कि अच्छी लगती है।
सकती है। इसके अलावा दोस्तों डाउनवर्ड हिल असिस्ट एक नया फीचर कंपनी की तरफ से एड ऑन किया गया है, वो भी प्रीमियम लगता है कि जब आप पहाड़ों से डाउनवर्ड आ रहे हो तो गाड़ी ऑटो फ्लिप ना हो जाए या फिर ओवर रिच ना हो जाए। इसके अलावा आपको कंट्रोल वे में चले। वेंटिलेशन सीट का ऑप्शन मिलता है, अपने अकॉर्डिंग भी वेंटिलेशन सीट ऑन कर सकते हैं जो कि कन्वीनियंस वाला फीचर है। इसके अलावा दोस्तों IVRM ऑटो डिमिंग के साथ मिलेगा, ब्लू लिंक के सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे, टोइंग फैसिलिटी ब्लू लिंक की फीचर मिल जाता है जो कि सबसे अच्छी बढ़िया बात है। देखिए जैसे आपने स्टेयरिंग व्हील पे आपने पियानो फिनिश देखी वैसी आपको सिमिलर यहाँ पे भी देखने को मिलेगी जो कि प्रीमियम लगती है, सिल्वर इंसर्ट की वजह से गाड़ी को इंटीरियर का लुक भी अच्छा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अच्छा हल्का फुल्का सामान रखना हो आपने कूल ग्लव्स बॉक्स है यहाँ पे अच्छी स्टोरेज स्पेस के साथ, और दोस्तों यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आपको हैंड रेस्ट के पास और ये स्लाइडिंग पोजिशन मिल जाता है जिसे आप यूज करना चाहें। अब ये देखिए दोस्तों ये जो लाइनिंग दी गई है ये एम्बियंस लाइट है आपकी जो रात में ग्लो करेगी अपने अकॉर्डिंग 64 कलर्स में, जो कि अच्छा लगता है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। इसके अलावा अच्छी खासी स्पेस भी दी जाती है। दोस्तों हम सनरूफ कैसे बोल सकते हैं, सिंगल टच आपको सनरूफ मिल जाता है गाड़ी के अंदर जो कि बहुत ही प्रीमियम और अच्छा लगता है, गाड़ी की लुक्स को एनहांसमेंट करता है। और देखने वाली बात क्या है कि आपको कर्टन जो मिलता है डार्क शेड में मिलता है कि जब भी आप ड्राइव करें आप अगर लाइट होगा तो धूप गाड़ी के अंदर आएगी, अगर डार्क होता है गाड़ी की धूप अंदर नहीं आएगी जो कि अच्छी वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों वैनिटी मिरर मिल जाएगा गाड़ी के अंदर जो कि बहुत ही प्रीमियम है, एयरबैग की सिग्नलिंग भी दी जाती है, ऑटो रेन सेंसिंग के सेंसर मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे सनशेड भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्रीमियम वाला फीचर है। ऐसे फीचर होने से गाड़ी में आपको लग्जरी फील भी आती है, मजेदार भी लगती है। ऑल ओवर गाड़ी का जो इंटीरियर देखेंगे आप अच्छा दिया गया है, फीचर बहुत अच्छे दिए गए हैं, 6 एयरबैग, ABS, ABD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे बहुत सारे नए नए फीचर आपको गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं जो कि यूज भी है, प्रैक्टिकल यूसेज भी है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि 6 एयरबैग है, आपको हिल असिस्ट है, डाउनवर्ड हिल असिस्ट है, ऐसे बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेड पेडल भी अच्छे से कंट्रोल के लिए दिया गया है आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं, 2 पेडल्स मिलते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऐसे बहुत सारे अच्छे से और डिजाइन कॉम्प्लीमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं जो कि अच्छे हैं। अगर आप ऑल ओवर इंटीरियर देखेंगे गाड़ी का बहुत ही मजेदार और जबरदस्त मिल जाता है आपको इसके अंदर। तो ये है गाड़ी का इंटीरियर और आपको फीचर। अब चलेंगे इंजन सेक्शन के पास, चलो चलते हैं देखते हैं गाड़ी का इंजन दिन कैसे खुलता है, यहाँ से खुलता है। तो फ्रेंड्स गाड़ी के ऑलमोस्ट आप सारे पार्ट तो देख ही चुके हो, फ्रंट सेक्शन, रियर सेक्शन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ दिखा दिया है। अब बात करते हैं गाड़ी के दिल की जो कि गाड़ी को मेन हार्ट चलता है गाड़ी का, अगर वो नहीं चलेगा फिर गाड़ी का भी कोई फायदा नहीं। गाड़ी के अंदर आता है एक पावरफुल बट एक वैल्यू फॉर मनी इंजन यानी टर्बो चार्ज इंजन। आपको गाड़ी के अंदर 1.5 टर्बो इंजन मिलता है 4 सिलेंडर इंजन के साथ जो कि सबसे बेहतरीन इंजन माना जाता है हुंडई का मार्केट के अंदर। अगर आप बात करेंगे ऑल ओवर इंजन परफॉर्मेंस की, लगभग 160 PS की आपको पावर मिलती है, 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है जो कि एक मिड लार्ज SUV के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप बात करते हैं माइलेज की तो 1.5 की इंजन आपको 2-in-1 में काम करते हैं क्योंकि टर्बो जो है गाड़ी के इंजन को रिफाइनमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आप डिसेंटली नॉर्मल ड्राइव करते हैं गाड़ी का इंजन लगभग आपको लोकल में भी 14-15 की माइलेज दे सकता है और ये ऑटोमेटिक की बात हो रही है। अगर आप हाईवे पे चलाते हैं 80 से 100 की स्पीड पे चलाएंगे तो लगभग दोस्तों जो माइलेज निकल के आने वाली है आपकी कितनी, जी हाँ 17-18 माइलेज आ जाएगी जो कि सबसे बढ़िया माइलेज मान जाती है मार्केट में। अदरवाइज अगर इस सेगमेंट की मिड साइज SUV के साथ आप कंपेरिजन करोगे तो लगभग आपको 10-12 से माइलेज ऊपर नहीं आती जो कि सबसे बढ़िया बात है। इसके अलावा दोस्तों इंजन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इसकी मेंटेनेंस कम आती है, मेंटेनेंस कम होने से आपकी पॉकेट में भारी नहीं पड़ती है लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में जो कि सबसे बढ़िया बात है। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी और रोड साइड असिस्टेंस हुंडई ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है जिसको आप 7 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे बेहतरीन वाली बात क्या होती है दोस्तों कि 7 साल तक एक्सटेंडेड वारंटी आप लेके एक्सटेंड कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों 1.5 का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत ज्यादा रिड्यूस प्राइस पे मिल जाती है, लगभग 3500 से 4000 का मेंटेनेंस खर्चा है जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली आपको मिल जाता है और ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। इसके अंदर जो ट्रांसमिशन मिलता है दोस्तों ऑटोमेटिक के अंदर वो मिलता है DCT यानी ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन मार्केट के अंदर सबसे रिफाइंड टेक्नोलॉजी मानी जाती है इन द टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग। नॉर्मली होता क्या है DCT के अंदर एक क्लच गियर को चला रहा होता है, दूसरा रेडी रहता है, तीसरा रेडी रहता है, चौथा रेडी रहता है, जिसके कारण जो लैग आता है गाड़ी के अंदर वो काफी हद तक रिड्यूस होता है, आपको एकदम से सडन पिकअप जो चाहिए होती है गाड़ी के अंदर वो मिल जाती है जो कि सबसे बढ़िया बात है दोस्तों मार्केट के अंदर। DCT 1.5 इंजन वैल्यू फॉर मनी आपको ट्रांसमिशन बता देते हैं। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर मिलते हैं
या ABS प्लस EBD व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसा मिल जाता है और ब्रेक असिस्ट भी मिलता है। अगर बात करेंगे बैटरी की तो पावर सेविंग बैटरी मिल जाती है, जिसके कारण जो गाड़ी की बैटरी हेल्थ है वो काफी हद तक बच जाती है। 1-1.5 महीने का फर्क मिल जाता है आपको लॉन्ग टर्म में, जो कि सबसे बढ़िया बात है। इससे आपको माइलेज में भी इंप्रूवमेंट मिलती है और ड्राइवेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट मिलती है। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अगर आप रखते हैं गाड़ी तो बहुत ही इको फ्रेंडली आपको गाड़ी मिलने वाली है, बिकॉज पेट्रोल है, ना ही यूरिया डलना है, टर्बो इंजन है जिससे आपको माइलेज मिलेगी। और जब भी आप ट्रेवल करेंगे आपको हुंडई की सर्विस तो हर जगह मिली जाती है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में सेकंड नंबर पे सर्विस जो हुंडई में मिलती है आपको, नेटवर्क जिसका स्ट्रॉन्ग है वो हुंडई का ही देखने को मिलता है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। इको फ्रेंडली गाड़ी वैल्यू फॉर मनी तभी बनती है और इंजन लॉन्ग टर्म में भी आपको वैल्यू फॉर मनी बनने वाला है। तो दोस्तों ये बात होगी गाड़ी के तेल की यानी इंजन की। तो दोस्तों अब बात करेंगे किसकी, रिव्यू की। चलो चलते हैं, करते हैं रिव्यू आपके लिए। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम लास्ट सेक्शन पे यानी कि रिव्यू सेक्शन पे, जहां पे हम आपको गाइड करते हैं किस टाइम पे सिग्नेचर टॉप लाइन लेने में बेनिफिट आपको मिलता है, कौन सा वेरिएंट जबरदस्त है आज की डेट में अल्काज़ार के अंदर लेने वाला, इंजन बढ़िया है या नहीं है, पावरफुल है या नहीं है, अंडर पावर है, ओवर पावर है, कैसा इंजन है, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। वैल्यू फॉर मनी क्यों है आज के टाइम पे, ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने लगे। पर दोस्तों डिग्गी खोलते हैं आपके सामने और बैठते हैं उसके अंदर, आपके साथ बैठ के बातें करते हैं। देखिए दोस्तों अल्काज़ार जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इन द टर्म्स ऑफ फैमिली मेंबर के साथ, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी यूज करना चाहते हैं उसके लिए भी बेहतरीन है, बिकॉज आप इसे एक 5 सीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं या 4 सीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं उसके पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। मेजरली उन लोगों के लिए अल्काज़ार लेने में बड़ा बेनिफिट है जिनका बिजनेसशिप है या फिर शॉप है जहां पे आप ग्रोसरी कपड़े ऐसे कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ट्रक वगैरह नहीं यूज करना चाहते, उस टाइप पे आपकी मल्टीपर्पज गाड़ी यानी मिड साइज की अल्काज़ार आपका बहुत सारा साथ निभाने वाली है। इंजन की बात करेंगे अल्काज़ार के इंजन की तो बहुत ही अच्छा इंजन दिया गया है, 1.5 इंजन। अब लोग कहेंगे ये तो अंडर पावर इंजन, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता, 1.5 टर्बो इंजन दिया गया है जिसके कारण अगर आप लोकल में ड्राइव करते हैं तो गाड़ी की माइलेज अच्छे से निकल के आने वाली है, क्योंकि टर्बो गाड़ी की एफिशिएंसी को बहुत अच्छे से इंप्रूवाइज कर देता है। अगर आप हाईवे पे चलते हैं कई बार आपको चाहिए कि एकदम से रास्ता तय करना आपने कंप्लीट करना है, तो उस टाइम पे दोस्तों आपका गाड़ी एकदम से साथ निभाएगी, 2000 cc जितनी पावर निकालने की कैपेसिटी रखती है यानी 160 PS की आपको पावर निकाल के देती है, करीबन 253 Nm की टॉर्क निकाल के देती है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब देखो जो DCT ट्रांसमिशन है दोस्तों उसका बड़ा हेल्पफुल मिलता है कि सडन पिकअप लेनी है, सडन टॉर्क लेनी है, उस टाइम पे बहुत ही बेहतरीन आपको ये गाड़ी रहने वाली है। अगर आप प्राइस की बात करो टॉप द लाइन वेरियंट है, अगर 6 सीटर की बात करोगे करीबन 21,41,000 के आसपास ये गाड़ी कीमत करती है, जो कि एक प्राइस के अकॉर्डिंगली बहुत जस्टिफाई है। किसी को लगेगा ये ज्यादा प्राइस है, बट नहीं दोस्तों अगर आप मार्केट में कंपटीशन में जाएंगे तो इसी प्राइस में लगभग आपको 26-27 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, जो कि आपको 22-23 लाख की गाड़ी में मिल रहे हैं, जो कि सबसे बढ़िया बात है दोस्तों। आज के टाइम में 20-22 लाख वाली गाड़ी में भी आपको गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन पैनल पूरा कनेक्टेड मिलता है, साथ ही साथ आपको डिजिटल की मिल जाती है गाड़ी के अंदर, डुअल सेटिंग के साथ आपको गाड़ी के अंदर आपकी सीट मिल जाती है, आगे की वेंटिलेशन सीट के साथ पीछे भी सीट वेंटिलेशन मिलती है, थाई सपोर्ट आपको ज्यादा मिल रहा है, और क्या चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसे फीचर कंपनी किसी को, मेरे लगता है कि 1-2 करोड़ की गाड़ी में मिलते हैं, वो आपको 21-22 लाख में कंपनी दे रही है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। अल्काज़ार मेजरली आपको बेनिफिट उसी टाइम पे दोस्तों जिस टाइम पे आप एक फैमिली मेंबर की तरह एक गाड़ी को रखना चाहते हैं, या फिर अगर आप सोचते हैं कि फैमिली पर्पज के लिए गाड़ी रखनी है सिर्फ और सिर्फ, उस टाइम पे अल्काज़ार आपको माइलेज भी देगी, ड्राइवेबिलिटी कंफर्ट भी देगी, फीचर भी आपको 1-2 करोड़ वाले जैसे मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको अल्काज़ार के अंदर मिलेगा। अल्काज़ार के अंदर आपको करीबन 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसके अंदर अगर आप बात करेंगे सबसे पहले मिलेगा दोस्तों एग्जीक्यूटिव, फिर आएगा प्रेस्टीज, फिर आएगा प्लैटिनम, फिर आएगा सिग्नेचर। एग्जीक्यूटिव वेरिएंट अगर आप क्रेटा प्लान कर रहे थे, अगर आप सिर्फ एक बड़ी गाड़ी 7 सीटर लेना चाह रहे हो, थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट है, तो अल्काज़ार का 7 सीटर वाला एग्जीक्यूटिव वेरिएंट ले सकते हैं। फिर सनरूफ टच स्क्रीन चाहिए गाड़ी के अंदर तो आप प्रेस्टीज में आ सकते हैं। अगर थोड़ी लेदर पॉलिसी, थोड़ा बॉस का म्यूजिक सिस्टम, थोड़ी इनहांसमेंट चाहते हैं तो आप प्लेटिनम में आ सकते हैं। अगर आप टॉप डाउन ऑफ चाहते हैं, पूरी लग्जरी गाड़ी के अंदर चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए सिग्नेचर के अंदर, टॉप द लाइन वेरिएंट के अंदर। अगर आप डीजल वेरिएंट प्लान कर रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं सनरूफ और आपको स्पेयर व्हील की कॉम्प्रोमाइजेशन मिलेगी, बट दोस्तों कहीं ना कहीं प्लस माइनस तो चलता रहता है। अगर आप सिग्नेचर जो हमने आज वेरिएंट डेमोंस्ट्रेशन किया है, जिसके अंदर अगर बात करें टर्बो एडिशन, 1.5 सिग्नेचर वेरिएंट,
डीजल नहीं पेट्रोल के अंदर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको डेमोन्स्ट्रेशन, पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। योर कार एडवाइजर यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल। थैंक यू।